प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प कार्य की वर्चुअली आधारशिला रखी। इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीहोर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री यादव रोड शो कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। अपने तय समय पर मुख्यमंत्री मोहन यादव हेलीकॉप्टर से अलहाद खेड़ी हेलीपैड से सैकड़ा खेड़ी नया बस स्टैंड आनंदेरी होते हुए कोतवाली चौराहा पहुंचे और कोतवाली चौराहा से लीसा टॉकीज होते हुए तहसील चौराहे तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह मंच से उनका स्वागत किया गया। वहीं सीएम तहसील चौराहे से कार द्वारा शुगर फैक्ट्री लुनिया चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां वे कार्यक्रम में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय रेलवे की अनेक रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिजों अंडरपास का लोकार्पण एवं शिलान्यास है। इसमें सीहोर रेलवे स्टेशन के 22,60,00,000 की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री यादव रोड शो कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। मध्य प्रदेश में 33 रेलवे स्टेशन को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर सीहोर में कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर सीएम मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रेलवे के कार्यक्रम से पहले शिवराज सिंह चौहान के जिले सीहोर में मोहन यादव ने रोड शो किया है। रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा था। जगह जगह पर लोग सीएम मोहन यादव के स्वागत के लिए खड़े थे। सीहोर जिले में जन आभार यात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। सीहोर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। उनके जिले में पहुंचकर सीएम मोहन यादव ने जन आभार यात्रा भी निकाली। जन आभार यात्रा के दौरान सीएम ने रोड शो किया है। इस दौरान स्थानीय विधायक और जिले के मंत्री मौजूद रहे। सीहोर में अद्भुत स्वागत देकर सीएम मोहन यादव गदगद हो गए। आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अकेले मध्य प्रदेश के 33 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर जो विभिन्न प्रकार के विकास के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण और जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इस अवसर पर हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये वो दौर है जिस दौर पर पिछले 10 साल के अंदर अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 77,000 करोड़ के निर्माण कार्य आज की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले 200 करोड़ रुपया रेल को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। आज की स्थिति में हजारों करोड़ और 77,000 करोड़ से ज्यादा अगर निर्माण कार्यों के साथ रेलवे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। एक बार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और रेलवे स्टेशन भी कैसे बन रहे हैं, भारत का नहीं विश्व के स्तर के रेलवे स्टेशन, हमारा अपना पुराना हबीबगंज अभी रानी कमलापति के नाम से जिसको जानते हैं, वंदे भारत ट्रेन जिस ट्रेन के माध्यम से ट्रेन की स्पीड अब विदेश, हमारे यहाँ के रेल के इंजन, रेल की बोगियां, हम पहले विदेश की तरफ देखते थे, लगता था कि हमको अपने देश में बुलाना चाहिए। आज बदलते दौर का भारत है, हमारे यहाँ से अपने रेल की सुविधाओं के लेकर के निर्यात हो रहा है। कई देश वंदे भारत ट्रेन के लिए अपनी लाइन में लग करके हमसे डब्बे, इंजन, रेल की पटरियां बिछाने की सुविधाएं, ऐसी कई सौगातें ले रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब एशिया से निकल करके यूरोप तक हमारी रेल की लाइनों की बिछाड़ हो जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे यहाँ पहले शहर में मेट्रो आ जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन मेट्रो की स्पीड भी वंदे भारत मेट्रो की स्पीड से आधी है। इसलिए मेट्रो भी शहर में लाना है कि नहीं लाना, जितनी आ गई वो आ गई, लेकिन वंदे भारत के आधार पर जैसे आपके यहाँ अगर सीहोर से भोपाल लाना है तो वंदे भारत मेट्रो आपके यहाँ 160 की स्पीड तक जा सकती, और मेट्रो की ट्रेन अगर लाओगे तो वो 100 के आसपास बड़ी मुश्किल से पहुंचती, तो 60 किलोमीटर की स्पीड उससे आगे तो अलग से पैसा नहीं लगाना। हमारी पटरियां बिछी हुई है, ब्रॉडगेज की लाइन डली हुई है, और केवल ये नहीं,
रेलवे स्टेशन पे भी सभी प्रकार की सौगात है जो विदेश में मिलती है आज हमारे यहाँ मिल रही। मैं आज के अवसर पर खास करके मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो, ये ट्रेन भी प्रारंभ हो रही है। अब एक तरह से नई तकनीक की नई व्यवस्थाओं के आधार पर जो सौगातें मिल रही, मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खासकर रेलवे स्टेशन, ये तो सोच ही नहीं सकते थे आज हमारे अपने बीच में से ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में 2-4 मिनट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके मैं पिछली बार वैष्णो जी से मिला था, उन्होंने कहा आपके यहाँ 4 लेन तो बहुत बन गए, सड़कें अच्छी हो गई, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आपके यहाँ हो गई, लेकिन रेलवे नेटवर्क की बड़ी संभावना है। तो उन्होंने कहा आप प्लान बनवाइए, मैंने कहा बिल्कुल हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य में आता है, पूरे देश का सेंटर है, और सेंटर होने के नाते से इसमें बड़ी संभावना है। 2 रेल तो आपके यहाँ, 2 रेलवे लाइन तो चली रही है, रामगंज मंडी सीहोर होकर के, यही आपके है ना रेल, और बुधनी वाली, ये दोनों ट्रेन का, दोनों की लाइनें डल रही है। इनको गति बनाने के लिए कहा है कि बहुत जल्दी इनकी और स्पीड बढ़े, और आने वाले समय में इसी प्रकार से और जितने प्रकार के विकास की संभावना हो सकती है, क्योंकि मान के चलते कि रेल के माध्यम से जब रेल आती है तो विकास की बहुत सारी सौगातें लाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार के बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी, एक बार फिर हम सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन बोलते रेलवे से हमारा विकास का पहिया अपने आप जुड़ जाता है, और मध्य प्रदेश तो बड़ी संभावना वाला प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की सरकार में जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से हमारे अच्छे सबल सक्षम राज्य की तरफ बढ़े, और अब इससे और आगे बढ़ते हुए हमारी और गति आगे बढ़े, खास करके उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गरीब और बहनों के लिए सरकार इतनी सारी योजना ला रही है कि एक के बाद एक आने वाले समय में वो समय बदल गया जब हमारे अपने लोग किसी के आगे हाथ फैलाते थे। आज के अवसर पर सरकार की सारी योजनाओं का, कोई योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होगी।